गाइस, दिस इज ब्यूटी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन कक्षा। आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको कहा हुआ था इन द प्रीवियस क्लास, आई हैव टोल्ड यू कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के बाद हम अब कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए हैं वो यूपी पीसीएस के हैं, बट इट इज़ कॉमन टू ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है और ऑलमोस्ट सारे टाइप्स मैं आज इसी मैं कवर कर दूंगी इसी वीडियो में ही। और वीडियो अगर लंबी हुई तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ फिर नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू क्वेश्चंस कवर करना। तो एंड तक जुड़े रहिए। अभी जो हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आज आप यहाँ पे आप देखेंगे। तो उसके पहले फिर से वही चीज़ें हैं, अगर साथ में जुड़े रहते हैं अच्छा लगता है तो चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे पास टेलीग्राम हैंडल है, इंस्टा हैंडल है, फेसबुक ग्रुप फेसबुक पेज है, वहाँ पे जाके आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे डेली आपको एक फैक्ट दिया जाता है जो कि आपको पढ़ के लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो आप इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सो आप इन तक जुड़े रहिए। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एंड वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द यूपी पीसीएस, क्योंकि अभी जो एग्जाम आ रहा है वो मेरा यूपी पीसीएस ही है। और फिर से मैं वही चीज़ कहूँगी, ये सारे हिंदी मीडियम इंग्लिश, इसलिए मैंने अभी क्वेश्चन जो लिए मैंने बायलिंगुअल लिया है और मैं कोशिश करूँगी आज मैं एक्सप्लेन भी बायलिंगुअल ही करूँगी। आई विल नॉट बी यूज, ज़्यादा मैं इंग्लिश के शब्द नहीं यूज़ करूँगी ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो दोस्त हैं हमारे, उनको कोई दिक्कत ना हो। चलिए करते हैं, साथ में पेन और पेपर लेके बैठिएगा ताकि मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं और जवाब देने की कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी। ओके, सो यस, सो दिस इज, मैंने इसके पहले मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर होते हैं। ये आपका NTPC, RRB, SSC, UPPC, सारे कोडिंग डिकोडिंग के ऑल द कॉन्सेप्ट्स इट विल बी कवरिंग, सारे चीज़ें कवर करेगा। तो ये रहा प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पे। हाँ, PBC खेल रहे हम लोग। No. Alright, so this is the question number one. मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्रम में आएगा? श्रृंखला इज द सीरीज। आई विल जस्ट रिपीट इन द इंग्लिश फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम एट द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा गिवन सीरीज के इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो लेट मी चेंज द इन कलर फर्स्ट, येलो ब्लैक स्क्रीन है ना, तो इट विल बी गुड। ऑलराइट, पहला आपका लिखा हुआ है BEH, दूसरा आपका है KNQ, तीसरा आपका है TWZ। अब सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके नंबर्स लिख लेने हैं। तो नंबर्स लिखने का मतलब है कि आपको फिर रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें, शब्द कैसे आगे मूव कर रहे हैं। बी आपका 2 है, ई आपका 5 है, मैंने कहा था एच को ऊपर नीचे घुमा देना, ये आपका 8 हो जाएगा। ओके, के आपका है जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती रहती हैं, दिस इज 11। एन मकान नंबर 13-14, दिस इज 14। ओके, सो एंड क्यू विल बी 17, रानी थी ना 17 साल की। ओके, टी इजोटी से आपका टी आ गया है 20, डब्ल्यू आ जाएगा आपका 23, एंड ये आ गया आपका 26। तो यहाँ पे देखो, मैं जब लिख रही थी तो ही मैं अपना पैटर्न समझ गई थी। दिस इज +3, दिस इज ऑल्सो +3 कर दिया, 2 में 3 ऐड कर दिया 5 बन गया, 5 में 3 ऐड कर दिया 8 बन गया। K और N में यहाँ भी +3, यहाँ पे भी +3। मैं जब क्वेश्चन के नंबर्स लिख रही थी तो ही मैं पैटर्न को समझ गई थी। दैट इज ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ईजिली आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो पहला अप्रोच यही होता है कि हम नंबर्स लिख के देखते हैं। अब अगर नंबर्स नहीं मैच करते हैं तो फिर हम शब्द लेटर्स में देखते हैं, हो सकता है कोई रिलेशन हो। ओके, सो बट हम नंबर लिखते ही हमें पैटर्न यहाँ पे समझ में आ गया, तो हम सीधा इसी के साथ मूव करेंगे +3। ठीक, ये तो आपने हॉरिजॉन्टली क्रम देख लिया, मतलब जो आपका लेफ्ट टू राइट है, दाएं से बाएं आपने क्रम देख लिया। अब आपको नीचे भी मुझे यहाँ पता करना है, यहाँ पता करना है, यहाँ पता करना है। तो ये तो आपको अगर ये पता चल गया तो ये और ये आराम से आ जाएगा। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि बी और के में क्या सीक्वेंस है, के और टी में क्या है, तो वही टी और इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, 2 से हम 11 गए हैं तो मतलब यहाँ पे +9 है, 11 से हम 20 गए हैं, अगेन +9 मिल गया हमें सीक्वेंस, और ये बहुत खुशी की बात होती है जब सीक्वेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे 20 और +9 यहाँ पे भी हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द राइट हैंड साइड, दिस वन, एच और क्यू 8 और 17 यहाँ पे भी +9 है,
17 और 26 यहाँ पे प्लस 9 है, तो यहाँ पे जो मेरा आएगा ये भी प्लस 9 आएगा। वैसे ही इस वाले पार्ट को करने की जरूरत नहीं कि आपको पहला मिल गया है, इसमें हम प्लस थ्री करते जाएंगे हमारा 3 आ जाएगा, उसकी हमें जरूरत नहीं थी। बट जस्ट फॉर द कन्फर्मेशन हमने ये पैटर्न सीक्वेंस अपना निकाल लिया है, वही वेल डन। सो अब टी में 9 ऐड करेंगे हमारे पास, आप कहेंगे कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो तो 26 ही हैं, तो हम टी 20 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया है 29। अब क्या करें, देखिए ए टू जेड जो होता है वो 1 से लेके 26 तक होता है, 1 से लेके 26 तक होता है, 26 के बाद अगर आपको आगे बढ़ना है तो हम फिर से ए से ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे सर्कल में घूमता है, ए से जेड आप आए, ठीक, जेड पे खत्म, फिर हम ए से चले जाएंगे, ठीक है, जेड से फिर हम ए पे जाते हैं, दिस इज हाउ इट मूव्स ऑन, ओके। सो 26 यहाँ पे जेड खत्म हो गया, हमारे पास 3 और बचे हैं, 26 और 3 29 हो जाएगा, 3 और बचे हैं, मतलब ए बी सी, मेरे पास यहाँ पे आ गया सी। सो दिस क्वेश्चन मार्क विल बी सी, सी में फिर आप 3 ऐड कर दीजिए, क्या जाएगा सी डी ई एफ, एफ में फिर आप 3 ऐड कर दीजिए, जी एच आई, सो सी एफ आई मैच कर रहा है क्या कोई ऑप्शन। यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है, तो अब देखिए प्रैक्टिस से क्या होता है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसका सिग्निफिकेंस समझ में आ जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, और ये अच्छा क्वेश्चन है भी कि हमने दाएं से बाएं ऊपर से नीचे सीक्वेंस हमने समझ लिया है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर जस्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक बार आप देख लीजिए स्क्रीन पर, इसलिए मैं नेक्स्ट नहीं कर रही हूँ अभी। ऑलराइट, ओके, नाउ ये डाइस बंद तो गई थी पर उसमें अक्षर लिखा नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने पेंसिल लिख दिया है। सो वी यहाँ पे है, दिस इज वी, दिस इज एक्स, ओके। सो निम्नलिखित व्यास की पूर्ति रिक्त स्थानों पर में जहाँ प्रश्न चिन्ह है वहाँ अक्षर भरकर कीजिए। यहाँ पे आपको जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो इस बॉक्सेस को आपको कंप्लीट करना है बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न बिटवीन दीज थ्री बॉक्सेस दैट आर गिवन। चलिए करते हैं इसको, आप अटेम्प्ट करके देखिए, अगर हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है। पहला जो मेरे पास है वो है टी वी एक्स, दूसरा मेरे पास जो है दैट इज एम पी एस, तीसरा मेरे पास जो है वो ए ई और आई है। तो अब टी कितना होता है, ये जो टी से टी मेरे पास है 20, युवा होता है 21, तो वी हो गया 22, यू के बाद वी आता है, और एक्स मेरा हो गया 24, एम मेरे पास है हाउ मच इज एम, मकान नंबर 13 14, ओके। सो एम में फिर पी आपका आ जाएगा 16, और एस आपका आ जाएगा 19, ओके, जो टी फर्स्ट, यस, ये आ गया आपका 1, ये आपका आ गया 5, जो टी से 5 आ गया आपका, आई आपका 9 होता है क्योंकि हमने कहा था आई में इसको 9 इधर निकाल देते हैं तो आई बच जाएगा। चलिए देखते हैं क्या पैटर्न मिल रहा है, नंबर से ही देखेंगे। अब टी और वी और एक्स में, टी वी एक्स में, ये तीनों में जो आपका इंक्रीमेंट है, मतलब जो बढ़ोतरी हो रही है दोनों में ही सिमिलर है, प्लस 2 है यहाँ पे भी, प्लस 2 है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे आके चीज़ें बदल गई, यहाँ प्लस 3 हो गया है, यहाँ पे भी प्लस 3 हो गया, ओके। तो मतलब 2 से 3 गए, अब देखते हैं यहाँ क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। यहाँ से 1 से 5 चला गया, प्लस 4 हो गया, 5 से 9 गया, प्लस 4 हो गया, मतलब कि जो आपका पहला ये डाइस दिया हुआ है यहाँ पे प्लस 2 की इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे प्लस 3 की हो रहा है, मूविंग ऑन टू द क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज को हिंदी में जो भी कहते हैं, घड़ी की जो दिशा होती है, जो घड़ी दिशा में चल रही होती है वो क्लॉकवाइज होता है, उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज होता है। फ्रॉम तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मूव किया और हमने सीक्वेंस को देख लिया, तो इसलिए आप कैसा भी लिख के आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली। तो प्लस 3, और फिर हमने तीसरे में देखा यहाँ प्लस 4 है, तो इन तीनों से आपको ये पता चलता है कि अगर ये प्लस 2 है इस डाइस में, जितने शब्द लिखे हुए हैं प्लस 2 हैं, यहाँ पे जितने लिखे हुए हैं प्लस 3 हैं, यहाँ पे जितने लिखे हुए हैं प्लस 4 हैं, तो यहाँ पे जितने लिखे हुए हैं ये प्लस 5 आएगा। अब लेकिन हम तो मूव कर रहे थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब हम यहाँ से शुरू करते पहला दूसरा और फिर तीसरा यहाँ आते, मेरे को बस दूसरा पता है, तो अगर यहाँ से प्लस 5 करके यहाँ गए हैं तो यहाँ से माइनस 5 कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे, मतलब कि जे से अगर हम माइनस 5 कर देंगे तो मुझे पहला नंबर मिल जाएगा, और जे में प्लस 5 कर देंगे तो मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा, तीसरा नंबर मिल जाएगा, जे तो दूसरा है ही है, तीसरा मिल जाएगा आपको प्लस 5 कर देंगे, ओके। तो मतलब किसी नंबर यहाँ से, मान लिया ये एक्स था, एक्स से आप प्लस 5 गए हो, आप जे पहुँच गए, तो एक्स अगर निकालना है तो जे से माइनस 5 कर दो, सिंपल सी बात है, आई होप दिस इज क्लियर। तो जी में से माइनस 5 कर देंगे,
जे में से माइनस फाइव कर देंगे। अब जे कितना होता है, एजोटी से आपका जे आ गया है 10, 10 में से 5 करा देंगे तो 5 बचेगा जो कि आपका हो जाएगा ई। यस, अब जे आपका होता है 10, 10 में से 5 ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 15, 15 पे होता है ओ इजोटी से, तो यहाँ पे आपका आ गया ओ, तो ये आपका हो गया ई और ये आपका हो गया ओ। तो ई ओ है क्या कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल है, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। और ये भी यूपीपीसी 2013 का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बस आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, इट्स नॉट, अब यूपीपीसी तो हाई लेवल का है तो अब और सब में तो इससे बेहतर ही आते होंगे। अगर आप ये कर ले जा रहे हो तो आप बाकी के भी सारे आराम से कर ले जाओगे, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन कर ले जाओगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत आराम आराम से चल रही हूँ मैं, भाग नहीं रही हूँ। ओके, कर लीजिए एक बार देख लीजिए। ईओ, यस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मो, युग्मो मींस पेयर, युग्मो मींस पेयर होता है, ये मुझे अभी पता चला है, लिख लीजिए मैं तो। ओके, दिस इज पेयर। ओके, निम्नलिखित युग्मो में से किसमें वही संबंध है जो जे एल और डब्ल्यू और जेड के बीच में है? Which of the following pairs have the same relationship as in JL and WZ? JL और WZ के बीच में जो relationship है, कौन से ऐसे pairs हैं जिनके बीच में same relationship है? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले नंबरिंग, तो नंबरिंग को लिखने के लिए आपको नंबर्स आपके टिप पे होने चाहिए, मैं बोल चुकी हूँ। तो आप पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो शॉर्टकट्स मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जे आपका होता है इजोटी से, जे आपका हो गया 10, एल आपका हो गया 12, यस, लंच 12 बजे होता है ना, बताया हुआ है, ऑलराइट, ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यू आपका है 24 और जेड आपका है, दिस इज 23, जेड आपका है 26, ओके। यू वी डब्ल्यू, यू 21 साल का होता है, वी 22 हो गया, डब्ल्यू 23 है, जेड आपका 26 हो गया, पता है आपको। अब इसमें एक में प्लस 2 है और दूसरे में प्लस 3 है, सी कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं और फिर हमें लगता है कोडिंग डिकोडिंग कितना डिफिकल्ट है। वंस यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बार आपको एक जो बेसिक समझ हो जाएगी, क्वेश्चन अपने आप होने लगते हैं। और ये भी यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, जो कि अभी तक ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, तो इसको आप आराम से करते हुए चलिएगा। तो जे एल के बीच में प्लस 2 है, मतलब जो मेरा पहला शब्द है उसके बीच में प्लस 2 होना चाहिए और जो दूसरा शब्द है वो आपका प्लस 3 होना चाहिए। ओके, तो पहला देख लेते हैं हम लोग, फिर दूसरा देख लेंगे, फिर तीसरा देख लेंगे, फिर चौथा देख लेंगे, जो भी सही होगा उसको टिक कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए ए सी देखते हैं और आर यू। ए सी, ए हो गया 1, ये हो गया 3, आर हो गया 18, राजा वो राजा 18, क्वीन 17 साल की, आया था 18 साल का, युवा होता है 21 साल का। तो ए सी में हो गया प्लस 2, ये अरे वाह बहुत बढ़िया है, तो अपने आप निकल पहले में निकल के आ गया, बट इनकेस अगर ये ऑप्शन सफल्ड होते, ठीक, तो हम एक और करके देख लेते हैं। ऑप्शंस ये शफल्ड होते अगर, तो हम क्या करते, तो आपको ये ना लगे कि मैंने पहला आसान करने के लिए बता दिया है। चलिए दूसरा उठा लेते हैं, ए बी है और पी ओ डब्ल्यू है, ए आपका होता है 1, बी होता है 2, ये देखो ये अपने तुरंत ही एलिमिनेट हो गया ये ऑप्शन, आगे चेक ही नहीं करना है। टी यू वी, टी यू वी ये इसमें आ सकता है क्योंकि इसमें प्लस 2 हो रहा है, डब्ल्यू वाई जेड, ठीक है, तो एक्स पहले आ गया, ये अपने आप एलिमिनेट हो गया। पी आर और एल एम, अब एल एम और पी आर, पी आपका होता है, पी कितना होता है बताइए जरा, आर फटाफट 18 होता है आर, और पी आपका हो जाएगा इजोटी से ओ है आपका 15, तो पी हो जाएगा 16, तो यहां पे प्लस 2 है, इसका भी शॉर्टकट है प्लस 2 है, और एल एम, एल एम एन, एल एम एल के बाद एम आ रहा है, तो यहाँ प्लस सी कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो ये अपने आप कट गया, ये अपने आप कट गया, आपका सही ऑप्शन बचा ये, ठीक है। तो आप एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं चीज़ों को, एक नज़र आप सारे ऑप्शंस पे फैला लीजिए, दौड़ा लीजिए और देखिए कि आप कोई एक भी पैर उठा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर बन रहा होगा तो अगला चेक कर लेंगे, नहीं बन रहा होगा तो उसको तुरंत वहीं पे एलिमिनेट कर देंगे। ओके, सो ए सी प्लस 3 और प्लस 2, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, ए सी एंड आर, ये पेयरिंग के क्वेश्चन होगा। ऐसे ही आपको मान लिया 3 लेटर दे देता है, 4 लेटर दे देता है, तो वहां पे भी आप रिलेशनशिप निकालते हुए चलेंगे। जे एल के बाद यहाँ पे एन बढ़ा देता है, 3 लेटर हो गया, डब्ल्यू जेड के बाद यहाँ पे सी कर देता है, तो यहाँ पे भी प्लस 3 का सीक्वेंस चलेगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क,
चलिए करिए, सी डी एच आई एम एन करते हैं इसको। फटाफट फटाफट रीजनिंग, ऐसा चीज़ है आपका 30 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए, ठीक है, ये मैं समझाती हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लगता है। एच आई एम एन, ओके, सी डी एच आई एम एन, ये मेरे पास तीन पैर दिए हुए हैं, मुझे चौथा पता करना है कि क्या होगा। ऑलराइट, तो सी डी में सी मेरा है 3, 4, एच 8, घुमा दो ऊपर नीचे 9, एम मकान नंबर 13 और 14। अच्छा, सीक्वेंस चल रहा है, आप देखिए सी डी प्लस 1। अब अगले पे जब हम मूव, मुझे एक्चुअली कॉमा के बाद मूव पता करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें और उसमें क्या रिलेशनशिप है, इसमें और इसमें क्या रिलेशनशिप है, तभी मैं यहाँ पे और पहले शब्द में पता कर पाऊंगी। राइट, 8 प्लस 1, 13 से प्लस 1 गया 14, तो मतलब मुझे दो वर्ड्स के बीच का रिलेशनशिप पता चल गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि अगले पे कैसे स्विच कर रहे हैं। तो अगले पे स्विच करने के लिए आप देखिए, जहाँ ये 4 है ये 8 है, तो मतलब इसके बीच में प्लस 4 हुआ है, ये 9 है और ये 13 है, अगेन प्लस 4 हुआ है, मिल गया पैटर्न। तो ये 14 है तो प्लस 4 करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, और 18 पे आपका होता है R, R और फिर 1 आपका ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, S, यस प्लस 1, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी विच ऑफ द आर एस। सी, यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन, अगेन इट इज द सेम क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म द पैटर्न एंड द यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। कोशिश मेरी है कि सारे कवर कर लें, टाइप यही रहते हैं, पैटर्न नहीं बदलता है, भले ही शब्द और उसके नंबर्स बदल जाएं, लेकिन लॉजिक विल बी द सेम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होना चाहिए, एक्स वी डब्ल्यू यू टी आर एस क्यू इज इक्वल टू एल जे के आई। चलिए करिए इसको, लिखती हूँ मैं तब तक, यस ओके, एक्स वी डब्ल्यू यू, फिर आपका यहाँ पे है रेशियो पी आर एस और के, इनके पहले, इनके बीच पहले निकालते हैं, फिर अब इक्वल टू है इनके बीच, पहले मुझे इनके बीच का रिलेशनशिप पता चल जाएगा, तो मैं अगर इसका और इसका आराम से निकालूँ। चलिए करिए, एक्स यू वी प्लस 1 है, फिर वी के बाद डब्ल्यू, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यू, कोई पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ पे, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। टी आर एस, एस और क्यू, यहाँ पे मुझे एक चीज आप जो मुझे नजर आ रही है, आप देख पा रहे हैं कि नहीं, यू के बाद आता है वी, तो यू के बाद है वी मेरा यहाँ, और यू के पहले जो आता है वो आता है टी, और टी है मेरा यहाँ, ओके। सो बेसिकली इन रेशियोज के बीच में टी के बाद, अभी टी के पहले जो आता है वो यू है, मतलब कि यहां से माइनस 1 हुआ है, टी के बाद आता है यू, यू एक किस साल का होता है ना, तो यू आता है टी, तो यहाँ प्लस 1 हुआ है, तो मतलब रेशियो के बीच में जो ये आएगा यहां से इसको माइनस 1 करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा, तो आई के पहले आता है एच, तो यहां से हो जाएगा एच, पहला शब्द लिख लेते हैं। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस रेशियो के बाद ये जो शब्द आया है वही इस रेशियो के बाद यहाँ शब्द होगा, तो अगर टी में हम प्लस 1 कर रहे हैं तो यू आएगा, तो यू से टी में कैसे जाएंगे, माइनस 1 करेंगे, तो आई से कैसे आएंगे, माइनस 1 कर देंगे, तो आई के पहले होता है मेरा एच। तो देखिए अब यहाँ पे आप सिंपली निकाल सकते हैं, अब आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी हम आगे बढ़ेंगे, सारे ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो गए, स्टार्टिंग में एफ है, स्टार्टिंग में ई है, स्टार्टिंग में एच है, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन ए को मार्क कर सकते हैं, बट इन ऑर्डर टू चेक द लॉजिक हम इसको फॉलो अभी करती हूँ मैं आपके लिए इसको, ठीक। तो टी से यू आ गया, अब यू से वी आ गया, एक छोड़ के आया है, देखिएगा आप यहाँ थोड़ा ध्यान से, एक छोड़ के आया है कलर, ओके। अब एक्स के बाद डब्ल्यू, एक्स के बाद आता है वाई, वाई यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन डब्ल्यू के जो बाद है वो आता है ना, एक्स के पहले है डब्ल्यू, डब्ल्यू मेरे पास यहाँ है, तो मतलब ये उल्टा चल रहा है, सीक्वेंस आपका उल्टा चल रहा है, एरोस में लगा देती हूँ वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। क्यू के बाद आता है, क्यू के पहले आता है, क्यू के बाद आता है आर, क्यू के बाद आता है आर, क्यू आर एस टी, अब एस के बाद आता है टी, ये देखिए बन गया सीक्वेंस मेरा, बन गया ना, ओके। सो फ्रॉम दिस वन वी कैन सिंपली फिगर इट आउट कि जो मेरा पहला शब्द था वो एच था, ओके, जो मेरा एच के बाद आएगा, मीन्स जो दूसरा शब्द आएगा, यहाँ पे जो दूसरा शब्द है वो आया है मेरा
प्लस वन जो मेरा यहाँ पे एच है, एच में जो फिर हम एच से रिलेशन हम टी निकालेंगे तीसरे वाले का, यहाँ पे पहले वाले से तीसरा वाला लिंक है तो पहले वाले से हम तीसरा वाला निकालेंगे, तो एच क्या प्लस वन कर देंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे मैं प्लस वन कर दूंगी तो आ जाएगा आपका जी, जी में प्लस वन कर देंगे तो एच आ जाएगा, यही मुझे चाहिए था। और फिर आते हैं, अब एच और जी का आ गया है, ओके सो नाउ व्हाट, अब हम यहां से डायरेक्टली इसको लिंक कर सकते हैं कि अब मेरा यहाँ पे एच और जी आ गया है तो बीच के जो शब्द होंगे एच और एफ, टी और आर एक माइनस करके था तो एफ और जी साथ में है, यहाँ पे आर और एस साथ में है तो ये हो जाएगा आराम से एफ, और एफ में हम माइनस वन कर देंगे तो ई आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस वन करने पे ई आ रहा है तो विल जस्ट टू द माइनस वन, तो एच एफ जी ई यहाँ से आप सिंपली निकाल सकते हैं। सो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, बट डायरेक्ट उसको जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ से आपको पैटर्न निकालना था रेशियो के, जो पहला शब्द है यहाँ पे जो ये शब्द है और इसके बीच में रिलेशनशिप निकाला था तो रेशियो के बाद वाला निकल के आ जाएगा। अब जो रेशियो के बाद वाला है उसमें और तीसरे में प्लस वन का अंतर है तो हम क्योंकि यहां से प्लस वन आ रहे थे तो यहां से यहां आना है तो माइनस वन कर देंगे, ओके यहां से यहां आना है तो माइनस वन कर देंगे, ओके सो अब ये आर और एस साथ में है, आर एस साथ में है तो जी के पहले क्या है, एस के पहले आ रहा है आर एस जी, तो जी के पहले हो जाएगा एफ। अब दूसरे और चौथे में भी फिर प्लस वन का डिफरेंस है तो हम फिर से यहाँ पे माइनस वन कर देंगे तो मेरा आ गया ई, तो यहाँ पे ऐसे कुछ था नहीं, आई होप दिस इज क्लियर। Now moving on to the next, this is a little bit complex question, तेरा का ही है, तेरा है चौथा का होगा तो तेरा का ही है, तो this is little bit, now we just do one more question and then we can just do the rest of the questions, अभी fifth चल रहा है, दो question और करेंगे फिर बाकी के अगली क्लास में करेंगे क्योंकि समझ आना जरूरी है, पहले इतना प्रैक्टिस करेंगे आप, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी आप कहीं से भी ले सकते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है, ओके यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए मैंने बट आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन है सारणी में लुप्त अक्षर खोजिए, सारणी इज दिस टेबल, ओके यू हैव टू फाइंड आउट दिस मिसिंग वर्ड फ्रॉम दिस टेबल। मुझे जैसे ही मैंने ये इतना दूर दूर देखा ना, ये एक है ये 26 है, फिर बी ये 2 है और ये 25 है, फिर सी 3 है और ये 24 है, वैसे ही मुझे मेरे दिमाग में तुरंत वो ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है, मैंने कहा जो पढ़ाया है उसी से आते हैं क्वेश्चन, उससे अलग से कहीं नहीं आएंगे, तो कोशिश करिए कि आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें, कंसेप्ट देखने के लिए आप पुरानी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो ऑपोजिट बहुत काम का चीज होता है, मैंने समझाया भी था काफी वो करके, ओके सो ए का होता है जेड, वन का आ जाएगा 26, मैंने कहा था दोनों को ऐड कर देंगे और फिर जिसका निकाल रहे हैं 27 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, तो ए का हो गया 26, यहां से समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब बी का ऑपोजिट होता है वाई, मैंने बॉय से याद कराया था, बी का ऑपोजिट होता है वाई, सी का ऑपोजिट होता है एक्स, ओके सी का ऑपोजिट होता है एक्स, और अब आ गया डब्ल्यू, सी के बाद क्या था, यहाँ पे ए है फिर ऑल्टरनेट है, एक छूट गया इसका ऑपोजिट आ गया बी आ गया, फिर एक छूट गया फिर ऑपोजिट आ गया सी आ गया, फिर एक छूट गया तो यहाँ पे डी आएगा, और डी का ऑपोजिट हमने आपको ड्यू से याद कराया था, डब्ल्यू होता है ड्यू, बहुत पीते हैं आप तो ये भी याद रखिए, ओके सो डी का ऑपोजिट हो गया आपका डब्ल्यू, सो द करेक्ट आंसर आंसर ओवर हेयर इज डी, डी इज मिशिंग फ्रॉम दिस वर्स, दिस इज क्लियर, इजी था, बस थोड़ा सा देखते ही समझ में आ जाना था, जैसे आप अल्फाबेट्स और लेटर्स के नंबर्स को लिखेंगे वैसे ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये ऑपोजिट है, क्योंकि इतनी दूर दूर में कोई पैटर्न तो बनेगा नहीं, इतने अगर नंबर्स बहुत दूर दूर हैं तो तुरंत समझ जाइए या तो ऑपोजिट्स हो रहे हैं या तो लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट हुआ या तो अल्फाबेट्स और सीरीज को उलट दिया गया है, करेंगे अभी इसको उलट दिया गया है, इन सब में से कुछ भी हो सकता है, तो नंबर्स दूर दूर है साफ साफ मुझे पता चल गया कि ये ऑपोजिट्स का कंसेप्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लास्ट, ये मैं उल्टा बोली रही थी उन्होंने फट भी दिया, ओके सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास इज अलाहाबाद को लिखते हैं दबहला। अब देखिए दो तरीके हैं यहाँ पे, अलाहाबाद में मैं ए को कुछ और भी लिख सकती हूँ, मैं एक्स भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मैं कराऊंगी उसको, और अलाहाबाद को अब मैं अगर देखती हूँ यहाँ पे तो शब्द जो अलाहाबाद में है वही इसके कोडेड वर्ड में भी है, तो मतलब बस ये है कि शब्दों को छेड़ा नहीं गया है, उनको एज इट इज लिख दिया गया है। अब देखते हैं कि ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या लिखा गया है कि अलाहाबाद, अलाहाबाद को लिख दिया है डबा हल्ला, डबा हल्ला, ओके
सो लेट्स नंबर एंड सी, ये अलाहाबाद है मेरा पहला, ये वन पे है. नंबरिंग मैं अल्फाबेटाइज नहीं कर रही, मैं सीक्वेंस की नंबरिंग कर रही हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यहाँ पे डी कौन सी, यहाँ पे अलाहाबाद में डी सिर्फ एक ही है और वो पहले आ गया, तो मतलब 9 पहले आ गया है. फिर है ए, ए आपका ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है. चलो मान लेते हैं कि ये यही वाला ए है, 8 हो गया है. बी एक ही है, वो यहाँ है 7. फिर 6, एच है 5, 4, 3, 2, 1. मतलब कि उठा के इसी को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया है. आपसे पूछा है कि वाराणसी का क्या होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन तो ये आसान है. ऐसे ही बेस्ड आते हैं, जब अलाहाबाद को कोई और शब्द लिख देंगे फिर आप ढूंढते रह जाएंगे क्या पैटर्न. तो कराती हूँ मैं उसको भी अभी. चलिए वाराणसी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैं लिखूंगी. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सो 8 मैं लिख दूंगी. आई एस ए एन ए आर ए और वी, ईशान आरव, ईशान आरव, व्हाटएवर इट इज, ईशान आरव. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो दिस वाज द इजी वन. दिस इज हाउ वी रिवर्स द अल्फाबेट. और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बता देती हूँ आपको. अलाहाबाद को बीच से तोड़ दिया, मतलब कि 3, 3, 6, 9 है. 9 में 4 इधर ले लिए, 4 इधर ले लिए और एच को नहीं रखा. इसको उलट दिया किसी और सीक्वेंस में, इसको उलट दिया. ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, तो जरूरी नहीं है इतने आसान ही आएंगे हमेशा. तो आप डिफिकल्ट लेवल के लेके भी चलिए, जिससे कि कभी आए तो ये ना लगे कि पढ़ा नहीं है. ऑलराइट, सो दिस इज द सीक्वेंस. इसको मैं कराऊंगी अभी. एक क्वेश्चन आपको ऐसा था जिसमें से बीच के नंबर, बीच को सेम रखते हैं, या अगर चार चार आठ शब्द हैं तो आठ में से बीच से तोड़ते हैं और आधे को उल्टा कर देते हैं. मतलब इसको लिख देंगे अल्लाह, एच को यही रखेंगे और फिर लिख देंगे इसको डी ए बी ए. ओके, अल्लाह डाबा. ठीक, तो ये उल्टा करते हैं ऐसे ही. तो नॉट नेसेसरली कि वो पूरा पूरा उठा के उल्टा करेंगे, वो बीच में से शब्द को. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक को एक्सचेंज कर देते हैं, पोजीशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं. तो कई सारे टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें रिवर्स करने वाले में, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, करेंगे उसको हम. करते हैं अब ये एक और कर लेते हैं, ये आखिरी रहेगा मे बी. ओके, सो इजी है इसलिए करा रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं 8-10 क्वेश्चन और कराऊंगी. ये सारी यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं इन पर ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ, टाइम दे रही हूँ. ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और एक बार कंसेप्ट आ जाएगा तो चीजें फिर आसान हो जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अक्षरों की श्रेणी बी एफ जे एन आर वी जेड डी एच एल प्रश्न चिन्ह में प्रश्न के स्थान पर निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा आएगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज. सीरीज है तो फटाफट नंबर्स हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे. जे के बाद क्या है, एन है, आर है, वी है, जेड डी एच एल. चलो बी हो गया 2, एफ हो गया 6, इजोटी से जे हो गया 10, एन मकान नंबर 13, 14, आर 18, यू एफ के साल का है तो भी 22 साल हो जाएगा, जेड होता है 26, डी होता है 4, एच को उल्टा कर दिया ये हो गया 8, और एल लंच होता है मेरा 12 बजे. कोई पैटर्न दिखा, कैन यू सी एनी पैटर्न ओवर है. मुझे तो दिख गया, मैं लिखती हूँ नंबर, लिखती हूँ तुरंत पैटर्न दिख जाता है कि क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में. एंड यू कैन डू द सेम. प्लस फोर गए. ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने बताया था ना आपको, ये ए और जेड ऐसे सर्कल में चलते हैं. ठीक है, ए के बाद जेड है तो जेड के बाद ए आएगा. जेड के आगे कोई अल्फाबेट होता नहीं है, तो खुद से कोई अल्फाबेट बना मत दीजिएगा आप लोग. ठीक है, ओके, सो जेड के बाद आया मेरा ए, ए बी सी डी, तो 4 डी आ गया, तो ये 4 नंबर पे. ठीक है, डी के बाद आ गया मेरा एच, ये भी प्लस फोर है, ये भी प्लस फोर है, ये भी प्लस फोर है. ऑल राइट, तो एल के बाद क्या हो जाएगा, एल के बाद फिर से प्लस फोर कर देंगे और 12 और 4 होता है 16. ओके, तो 16 पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी के 16 पढ़ा था हमने, पी के 16. ओके, सो इट विल बी पी, करेक्ट ऑप्शन विल बी पी, वेरी इजी वन. यहाँ पे सिर्फ आपको अल्फाबेट के नंबर्स की पोजीशंस को ध्यान में रखना था, बाकी और इसमें ऐसा कुछ था नहीं. तो वेरी वेल डन. तो इसको मैं यहीं पे अभी वीडियो को रोकती हूँ, अगला वीडियो इसके बाद तो अपलोड हो जाएगा आपका. बट एज फॉर नाउ दीज 8 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द प्रीवियस यूपीसीएस क्वेश्चन. फिर से मैं कहूँगी ये नेसेसरी यूपीसीएस के लिए नहीं है, ये यही पैटर्न सारे दुनिया में कोई भी एग्जाम होता है सब में, रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में यही पैटर्न फॉलो होता है. क्वेश्चंस के टाइप सेम रहते हैं, हाँ शब्द सफल हो सकते हैं, पोजिशंस को सफल कर सकते हैं, कंसेप्ट सेम है. तो ये मत सोचिएगा कि यूपीपीसीएस का है तो हमें नहीं देखना है,
जितने भी पुलिस की लाइन वाले हैं, अगर आपने पढ़ लिया तो आपका तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये आ गया तो बेसिक वाला तो आप आराम से कर ही जाओगे। बेसिक वाला मैंने इसके पिछले वाले क्लास में कराया भी हुआ है, तो आई विल कम अप विद सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। शायद अभी 7-8 क्वेश्चन और होंगे आपके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी उसको। थैंक यू सो मच, आई हैव वन कोटेशन फॉर यू अगेन, है ना, मोटिवेशन रहता ही है। तो करते हैं इसको नेक्स्ट में। ओके, so when you educate one person you can change a life, when you educate many you can change the world, okay? so basically मैं आपसे हूँ और आप सभी का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे और अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई डाउट होता है तो जितना एटलीस्ट हम लोगों के पास नॉलेज है, हम चाहते हैं कि आप सबके पास हो और जल्दी सबकी नौकरी लग जाए। स्पेशली ये जो अभी वैकेंसीज काफ़ी आ रही हैं, तो सब लोग अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, ऑनलाइन कक्षा पे आइए, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कोशिश यही है कि सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएँ। यदि मैम भी साथ में बहुत सारी चीज़ें साथ साथ कर रही हैं, तो आप वो भी देखते रहिए। आपका जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वहाँ से कवर अप हो जाएगा और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट होते हैं। रिसर्च करके एक क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल देखना नहीं भूलिएगा। जितना शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। थैंक यू सो मच।